हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज की वीडियो क्यू एन ए पार्ट 7 है और जैसे कि सबसे पहला कमेंट यहां पे है, इनको गोल्डन श्यान हैमस्टर चाहिए। तो देखिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं वहां पे आपको नंबर दे दूंगा। और अगर लखनऊ में आप रहते हैं जैसे कि आलमबाग इस साइड में, तो एक हैं यूट्यूब पे डालते हैं वो वीडियोज़। मैं पूरा प्रॉपर उनको जानता तो नहीं, लेकिन कई बार उनसे बात हुई है, तो मैं उनका नंबर आपको दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो देखिए, दूसरा कमेंट ये है कि ये गिनी पिग लेकर आए थे पेयर, और उसमें शायद फीमेल बच्चे देने वाली है, और जो दूसरा मेल है शायद इनका, तो इनका पूछना ये है कि मेल बच्चों को मार तो नहीं देगा। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आप चाहे पेयर ही आपका प्रेग्नेंट गिनी पिग का हो, या फिर आप कहीं बाहर से प्रेग्नेंट गिनी पिग ले आएँ, कोई भी प्रॉब्लम, आपको बस जो फीमेल बच्चे देने वाली है उसको बिल्कुल अलग कर देना होगा मेल से, और तब तक अलग करना होगा जब तक बच्चे एक महीने के ना हो जाए। और एक महीने के इसलिए भी क्योंकि कई बार जो मेल है आपका, मेल गिनी पिग आपके बच्चों पे भी अटैक कर सकता है, यानी कि गिनी पिग के बच्चों पे, और गिनी पिग पे भी अटैक कर सकता है, दोबारा ब्रीडिंग कर सकता है, जिससे कि आपके फीमेल गिनी पिग का लीवर तक ख़राब हो सकता है। तो कई सारी चीज़ें हो सकती है। देखिए, अटैक का मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि वो जान से मार देगा, लेकिन प्यार से दुलार से करने के चक्कर में काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप मेल गिनी पिग को अलग कर दीजिए, और जब वो बच्चे दे दे उसके बाद भी एक महीने के लिए अलग रखिएगा। दूसरा यहाँ पे कमेंट आया, तो इनकी भी प्रॉब्लम वैसी है जैसा मैंने एक पिछली क्यू एन ए वीडियो में बताया था। इनका मेल गिनी पिग थोड़ा बड़ा होगा और फीमेल गिनी पिग एज में छोटी है। देखिए, ब्रीड हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खाना प्रॉपर उसको दीजिए, और ब्रीडिंग देखिए, बार बार सब लोग ब्रीडिंग पूछते हैं। कई बार अंदर से गिनी पिग्स की ऐसी प्रॉब्लम होती है, उनके हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, बॉडी प्रॉब्लम होती है, तो वो ब्रीडिंग में भले ही थोड़ा बहुत लेट हो जाएं अगर ऑन हीट नहीं है तो, वरना आप प्रॉपर खाना उनको दें, सब कुछ सेट है, तो वो ब्रीडिंग करेंगे, 100% ब्रीड करते हैं। तो अगर फीमेल छोटी है मेल बड़ा है, तो वो पक्की ब्रीडिंग करेंगे और वो सक्सेसफुल जाएगी। और ये कमेंट जो आया, देखिए मैंने ये जो वीडियो बनाई थी इसमें मैंने पहले बताया था कि गिनी पिग्स को थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रेन करना, रैबिट्स आसान से ट्रेन हो जाते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा मेरे साथ चलता है, मैं जब खेलता हूँ घूमता हूँ तो गिनी पिग्स मेरे साथ खेलते हैं घूमते, तो अगर ऐसा होता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू, सॉरी, सभी को लाइक दे देते हैं यहाँ पे, माफ़ करिएगा। देखिए, चलिए वापस चलते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम 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 भाई, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे यार, आप लोगों के सपोर्ट से ही तो एक आम आदमी बड़े स्टार तक बन जाता है, लेकिन आप लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे, और जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी सब मिलेगा। अरे, ये कमेंट दोबारा आ गया, एंजल एंजल फिश मिल जाएगी। देखिए, इन्होंने लिखा तो कुछ और है, मेरे ख्याल से शायद ये एंजल फिश के बारे में पूछना चाहते हैं, और मिल जाएगी। ये मेरे फ्रेंड की शॉप है और बहुत बढ़िया बंदा है, ए ग्रेड का बंदा है, एक से एक मछलियाँ इसके पास मिल जाएंगी आपको। और अगर आप बताएंगे प्लैनेट ब्लू के थ्रू आए हैं, तो पीबीए के थ्रू यानी कि प्लैनेट ब्लू के थ्रू आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देंगे। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और गारंटी है कि इनके यहाँ से मछलियों के मरने के चांस बहुत कम होते हैं। भाई, सिंगल में मेल या फीमेल? तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर पालें सिंगल में तो मैं रिकमेंड करूँगा फीमेल, और मेल इसलिए नहीं क्योंकि उसकी भी आदतों में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, और फीमेल इसलिए क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से ट्रेंड हो जाती है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिंगल गिनी पिग कभी नहीं पालूँगा, और पालना भी नहीं चाहिए। बाकी अगर आप पालते हैं अपनी रिस्क पे थोड़ा बड़ा साइज़ ला के, तो फीमेल सबसे बेस्ट है। क्या मुझे मिल सकता है एक? देखिए, आपकी लोकेशन आप इंस्टाग्राम पे डालिएगा, कभी गिव अवे करूँगा तो आपको दूंगा ज़रूर मैं। बाकी तो मेरे ख्याल से अगर दूर पड़ेगा तो शायद मैं ना दे पाऊँ, बाकी आप करिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, बाकी आपको मिल जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पे एक कमेंट आया हुआ था, रुकिए। तो देखिए, इनका कमेंट ये था कि एक मेल के साथ कितनी फीमेल रख सकते हैं ब्रीडिंग के लिए। एक मेल के साथ आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 फीमेल्स रखिए, वो तब अच्छे से ब्रीड करती हैं, सक्सेसफुल ब्रीड हो जाती है। और बाकी ज़्यादा ब्रीड करने के लिए आपको मेल भी उतने बढ़ाने पड़ जाएंगे। अगर आपके पास 7-8 फीमेल्स हैं तो आपको कम से कम 3 मेल तो रखने ही पड़ेंगे। और देखिए, एक और कमेंट है, यहाँ पे इन्होंने 4 महीने के गिनी पिग लिए थे, शॉप वाले ने इनको बताया था, जिसमें से 2 गिनी पिग्स में से एक मर गए, और एक गिनी पिग मरा है और एक बचा है जो अब धीरे धीरे सांस ले रहा है, और सांस लेने की आवाज़ करता है और प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए, एक्चुअली होता ही है कि जब भी हम किसी भी शॉप से या फिर कहीं से भी गिनी पिग्स खरीदते हैं, तो मार्केट में या फिर शॉपकीपर्स के पास, पेट शॉप पे,
बहुत कम ऐसी पेट शॉप आपको मिलेंगी जो बहुत ही केयर करती हों जानवरों की, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर हम इसको सेल करेंगे हमें पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा, और वो साथ में ये भी जानते हों कि हम इनकी देखभाल करेंगे तभी तो इनको बेचेंगे और पैसा मिलेगा। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो उस शॉपकीपर ने जैसे भी उसको रखा हो, कई बार ठंड लग जाने से और भी कई प्रॉब्लम्स आ जाने से गिनी पिग्स और रैबिट्स में ऐसा होता है कि उनकी चेस्ट पे डायरेक्ट असर होता है, जिसकी वजह से उनकी चेस्ट में जो उनका पूरा का पूरा डायफ्राम वो जमने लगता है। और जैसे कि कोरोना, अगर मैं सीधी कॉमन भाषा में कहूँ ताकि समझ में आ जाए, तो एक तरीके से जैसे कोरोना में बताते थे कि चेस्ट पूरी जम जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो बिल्कुल गिनी पिग्स के साथ भी वैसे ही होने लगता है अगर ठंड लग जाती है। तो इसका इलाज ये है कि आप पूरे केज को चारों ओर से कवर करके रखिए, और अगर आपके पास हीटर है तो आप हीटर लगा दिए, थोड़ी देर के लिए हीटर लगाइए, और फिर उसके बाद आप उसको खाने में ग्रास दें, पूरा ग्रास ही दें और कुछ ना दें, वेजिटेबल और फ्रूट तो गलती से भी ना दें अगर आपके गिनी पिग को ठंड लग रखी है तो, और वो धीरे धीरे सांस ले रहा है तो आप वहाँ पे हीटर लगाइए, ग्रास दीजिए बस, और केज को कवर करके रखिए। और धूप अगर आती है तो अगर आपके बालकनी में या फिर छत पे धूप आ रही है तो आप लेकर जाइए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा उसको धूप में रखिए, क्योंकि गिनी पिग्स को ज़्यादा धूप पसंद नहीं होती है। तो आप ऐसा करिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, आपको पूरी हेल्प वहाँ से मिलेगी कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। देखिए इसमें इनका कमेंट है, यहाँ पर इनके कमेंट के हिसाब से इनके गिनी पिग्स ब्रीड करते हैं लेकिन फीमेल भाग जाती है, तो देखिए ऐसा होता रहता है ब्रीडिंग के लिए, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं, आप उसकी ब्रीडिंग करवाइए, वो सक्सेसफुल ब्रीड करेगी तब भी। देखिए ये भी वही कमेंट है, और यहाँ पे जो एक कमेंट है, बहुत कुछ जानने को मिलता है आपसे, थैंक यू, 7 गिनी पिग अलग अलग रखते हैं तो लड़ने लगते हैं। इनके पास 7 गिनी पिग हैं और मेल को अगर अलग अलग रखें तो ठीक, वरना जब साथ में रखते हैं तो वो लड़ने लगते हैं। तो देखिए भाई ऐसा होता है, आप किसी भी जानवर में देखिए, किसी में भी देख लीजिए, आप किसी में भी फीमेल फिशेज में, आपकी वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिलता है। धन्यवाद। 7 गिनी पिग हैं जिसमें से मेल अलग रखते हैं, जब साथ में रखते हैं तो वो लड़ने लगते हैं। तो देखिए आप किसी भी जानवर में, पंछी में, मछली में, इंसेक्ट्स में ही, यहाँ तक कि अगर आप ले लेते हैं कीड़े मकोड़ों में, तो कभी भी मेल्स आपस में साथ में नहीं रहते, और वो साथ में तब रहते हैं जब वहाँ पे फीमेल ना हो। तो ब्रीडिंग सीजन में तो खैर और ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन मेल्स बहुत कम चांस होता है कि साथ में रह लें। तो इसलिए अगर आपके मेल्स गिनी पिग लड़ते हैं आपस में तो आप उन लोगों को अलग करिए, उन लोगों को दूर रखिए एक दूसरे से, वरना वो फाइट के दौरान एक दूसरे को ज़ख्मी कर सकते हैं, जिसमें से एक ना एक का तो निकलना पक्का है। और कभी भी अगर वो फाइट करें तो बचाने के लिए बीच में ना कूदें, वरना फिर आपका ज़ख्मी होना पक्का है। तो इसीलिए, और भी अगर आपका कोई कमेंट हो, और भी आप लोगों का कोई सवाल हो, तो आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कि उन्हें वीडियोज़ ऐसे ही आती रहेंगी, आप लोगों के सभी सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। और फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने पेट्स का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।